नितिन सचदेवा जी का प्रश्न है कि जीवन में कदम कदम पर विघ्न आए अथवा हर्डल्स आए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, हौसला बुलंद रहना चाहिए, हौसला पस्त नहीं होना चाहिए। ये स्लोगन सदा याद रखो, मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। जीवन में जो भी विघ्न आए, परिस्थितियाँ आए, उनसे हमें हारना नहीं है। हमने या तो उन परिस्थितियों का सामना करके जीतना है, या हमें हर क्षण सीखना है। जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले गर हैं बुलंद तो मंजिलें फिर दूर नहीं। दूसरी बात, हमें ये समझना है कि विघ्न क्या है। इसे समझने के लिए हर्डल रेस को विजुलाइज करें। हर्डल रेस कौन जीतता है और कौन हारता है? हर्डल रेस वही जीतता है जिसके पास स्टेमिना है, जिसके पास उचित स्पीड है, जिसके पास टाइमली जंप लगाने की कला है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। जीवन की हर्डल रेस भी वही जीतता है जिसके पास उमंग, उल्लास, हिम्मत है, जिसके पास परिस्थिति को पार करने की, जंप लगाने के लिए आवश्यक स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, तथा जो खुद पर भरोसा करता है कि मैं हर परिस्थिति को पार कर सकता हूँ। याद रखो, वी हैव टू कम्पीट विद आवर ओन सेल्फ डेली। हमें अपना बेटर वर्शन रोज तैयार करना है। और ये याद रखो कि विघ्न जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। विघ्न आने पे ही हमें अपनी कोई ना कोई कमी का पता चलता है, या कमजोरी का पता चलता है, या ड्रॉबैक का पता चलता है। इसलिए हमें कोई हर्डल आए, विघ्न आए, तो घबराना नहीं है, बल्कि सीखना है। हर हर्डल कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।